हेलो फ्रेंड, मैं हूं राम सिंह यादव एंड वेलकम टू अनबॉक्सिंग न्यू थिंग्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूं ये शू रैक। मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको ये चीज लेना चाहिए या फिर नहीं। और ये वाला जो शू रैक आपको यहां पर दिख रहा है वो मैंने 2 साल पहले अनबॉक्स किया था। ये नीलकमल का शू रैक है, आपको 2000 से लेके 2200 रुपए तक देखने मिल जाता है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा शू रैक है, लेकिन अगर आप इसको इंडोर में यूज करोगे तो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म चलेगा। वैसे तो मैंने बाहर रखा है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर धूप नहीं पड़ती है इसके लिए अभी तक अच्छे से चल रहा है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो इसकी भी वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा अंदर डिस्क्रिप्शन, जाके वो भी चेक कर लेना। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर आप भी उनमें से हो जो बहुत सारे पैसे नहीं खर्चा करना चाहता है शू रैक पे और एक अच्छा खासा आपको शू रैक चाहिए, देन डेफिनेटली आप लोग ये वाला प्रोडक्ट ले सकते हो। कुछ इस तरह का आपको साइड स्टैंड देखने मिल जाता है जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है। अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो आपको 5 out of 10 देना चाहूँगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं मिलता और बहुत ख़राब भी नहीं मिलता है। और आपको ये रॉड देखने मिल जाता है जो कि मेटल का रॉड है, और सिंस ये 4 लेयर वाला शू रैक है तो आपको 8 रॉड देखने मिल जाते हैं इस बॉक्स में। और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी टू असेंबल है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, हार्डली 2 से 3 मिनट के अंदर ये पूरा ही असेंबल हो जाता है। जैसे कि अगर आप नीलकमल का लेना चाहोगे या फिर प्लान कर रहे होगे या फिर आपने देखा भी होगा, तो मैं बता दूं कि उसमें थोड़ा सा असेंबल करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, बिकॉज उसमें आपको पूरा एक बॉक्स का फ्रेम बनाना पड़ता है। बट इसमें ये पूरा सिंस ओपन है तो फटाक से ये बन जाता है कंपैरेटिवली। तो एक बार बनने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखता है, और ये बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं बोलूँगा मैं, लाइक 70-80% बहुत स्टडी है। अगर आप थोड़ा बहुत भी इसको ऊपर नीचे करोगे तो ये गिर भी सकता है, लेकिन एक बार आपने लाइक फुटवेयर रख दिया फिर जूते चप्पल रख दिए तो ये डेफिनेटली स्टर्डी हो जाता है रखने के बाद। बट वैसे देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा हल्का है। एंड चलिए मैं आप लोगों को इस पे जूते चप्पल भी रख के दिखा देता। तो मैंने ये सारा ही नीलकमल में जितने भी मैंने अपने फुटवेयर रखे थे वो सारी चीज़ें मैंने इसके ऊपर उठा के रख दी है, तो कुछ इस तरीके का आपको देखने मिल जाता है। और ये जो जूता दिख रहा है ना, ये वुडलैंड का, ये थोड़ा वज़न होता है, इसके लिए आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई आप वज़न वाली चीज़ें भी इसके ऊपर रख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। जितना भी फुटवेयर जूते चप्पल नीलकमल वाले शू रैक में था वही सेम आपको इस वाले भी ओपन वाले शू रैक में भी देखने मिल जाता है। कोई डिफरेंस नहीं है कि कितना इसमें आएगा और कितना उसमें आएगा, सेम ऑलमोस्ट दोनों में ही आ जाता है। बट मैं बता दूँ कि जो नीलकमल वाला है उसमें सिर्फ 3 लेयर ही थे और इसमें आपको 4 लेयर देखने मिल जाते हैं। एंड अगर प्राइस की बात करूँ तो यार एक ही फैक्टर बन सकता है प्राइस, आपको चूज़ करना है नीलकमल या फिर ये वाला। नीलकमल आपको 2000 से लेके 2200 तक मिल जाता है। ये जो शू रैक है आपको 300 से 400 तक आपको देखने मिल जाएगा अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे। अगर आप लोग ऑफलाइन मार्केट से लेते हो तो आपको इससे भी सस्ता देखने मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो जाके ऑनलाइन जाके बाय कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा अंदर डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यार, 1 लाइक तो जरूर बनता है। चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।